अलैकुम जी। आई वॉन्ट मोर पीपल टू कनेक्ट एज मच एज पॉसिबल। मैं बेसिकली अभी लाइव आने का मकसद ये था कि एक इम्पोर्टेंट मैसेज मैं दे सकूँ, एक इम्पोर्टेंट मैसेज आप सब तक पहुँचा सकूँ। इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स नॉट अबाउट माई वर्क, इट्स नथिंग अबाउट दैट। ये मैसेज बेसिकली उन मासूम जानवरों के लिए जो हमारे हमारी सड़कों पे, हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में हमें दिखते हैं। और मैं काफ़ी अरसे से ये चीज़ें सोचता था इंडिविजुअल कैपेसिटी में। काफ़ी लोगों से जब बात होती है तो आप शेयर भी करते हैं अपने आइडियाज़, अपनी अपनी थॉट्स। हमारे माशरे में मैं इस बात को बहुत अरसे से देख रहा हूँ। आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि एक बेहिसी जो है वो ऑब्ज़र्व की जाती है जानवरों को लेके, स्पेशली जो स्ट्रे डॉग्स हैं या स्ट्रे एनिमल्स हैं। पता नहीं, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि अक्सर लोग इनकी ज़िंदगियों को, इनकी जानों को वो अहमियत नहीं देते जो किसी इंसान की ज़िंदगी की अहमियत होती है। बेसिकली आजकल तो इंसानों को भी अहमियत नहीं मिलती है। हम अक्सर देखते हैं कि सड़कों पे एक्सीडेंट हो जाए या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए जहाँ पे कोई इंसान पड़ा है तो कोई रुकना गवारा नहीं करता। हालांकि हाँ, तमाशा देखते हैं, तमाशा देखना चाहते हैं और हमें तमाशे बहुत पसंद हैं, सर्कस बहुत पसंद है। लेकिन कभी कोई इंसान ये नहीं सोचता कि ये बेहसी बेसिकली स्टार्ट कैसे होती है, ये बेहसी हमारे अंदर आई कैसे है। मुझे डायलॉग्स नहीं मारना आते, मैं बिल्कुल विदाउट एनी फिल्टर ये सब बातें कर रहा हूँ आपसे, जितने लोगों तक पहुँचा सकें, जहाँ तक पहुँच सके। कोई एक इंसान भी अगर इन बातों से मूव हो जाता है या उसका हार्ट चेंज हो जाता है, उसका दिल चेंज होता है इन जानवरों के लिए, तो मुझे बहुत खुशी होगी और शायद मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। तो बेहिसी जो हमारे अंदर ये आ गई है कि आजकल हम देखते हैं कि सड़कों पे एक्सीडेंट्स भी होते हैं, कोई रुकना पसंद नहीं करता। रुकने का मतलब ये है कि कोई मदद नहीं करना चाहता उस एक इंसान की भी। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जी, हमने सब नहीं देखा होगा कि सड़कों पे अगर कोई कोई बिल्ली गाड़ी के नीचे आ जाए या कोई बेचारा स्ट्रे डॉग को कोई गाड़ी हिट एंड रन, तो गाड़ियाँ उसके ऊपर से गुजरती रहती हैं, उसकी डेड बॉडी को भी कोई साथ में इधर से उधर नहीं करता, कोई गवारा ही नहीं करता रुकना, कोई समझता ही नहीं है कि यार नहीं, हमारे अंदर इतनी इंसानियत होनी चाहिए कि हम उसको, वो बेचारा मर तो गया है चलें, लेकिन उसको एक उसको साइड पे ही कर दें यार। मुझे अभी भी एक इंसिडेंट याद है कि जब मैं एक जगह से वापस आ रहा था तो एक बिल्ली की बॉडी मैंने देखी और मैंने, मुझसे रहा नहीं गया, मैं रुक गया। मैं यहाँ कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन बस एक बताना चाह रहा हूँ कि मैं रुका और मैंने उसकी बॉडी को अपने बेयर हैंड्स, अपने हाथों से, बगैर किसी चीज़ के, मैंने उसको साइड पे, वो जो बीच में सेपरेशन होती है वहाँ पे मैंने उसकी बॉडी को रखा। और जब मैं ये काम कर रहा था तो ऑब्वियसली मुझे ट्रैफिक को रोकना पड़ा, तो पीछे लोग मुझे लिटरली पागल भी कह रहे थे, गालियाँ भी दे रहे थे और कि जी ये कौन पागल है और ये इस तरह की हरकतें कर रहा है, पड़े रहने दो उसको। हम ये नोटिस नहीं करते कि हमारे अंदर जो बेहसी है वो बेसिकली बेहसी का जो स्टार्ट होता है वो कैसे होता है, वो ऐसे ही होता है कि जब आप जानवरों के लिए अपने अंदर एम्पथी नहीं रखते, उनके लिए आप एहसास नहीं रखते, तो अल्टीमेटली आप इंसानों के लिए भी एहसास आपका ख़त्म हो जाता है। ऐसी ट्रेनिंग जो होती है ना, ये टेररिस्ट की ट्रेनिंग होती है कि जानवरों को मारो पहले, ताकि तुम्हारे दिल से वो खौफ, वो हमदर्दी, वो सारी चीज़ें वो निकल जाएँ, फिर तुम इंसानों को जब मारोगे, तकलीफ़ पहुंचाओगे, नुकसान पहुंचाओगे तो तुम्हें महसूस नहीं होगा। और एग्जैक्टली ऐसे ही होता है हमारे माशरे में, हर कोई इस तरह से ट्रेन हो रहा है और किसी को एहसास नहीं है। ये बड़ी अफसोसनाक बात है और कोई चीज़ को समझता ही नहीं। आप किसी से बात करें तो वो आगे से हंसेगा। एक रीसेंट इंसिडेंट जी मेरी सोसाइटी में ये हुआ है कि दो बहुत प्यारे से स्ट्रे डॉग्स, जो कि मैं जब भी गाड़ी पे आता था और आई यूज़ टू फीड देम, आई यूज़ टू लुक आफ्टर देम, और ये प्यार के मोहब्बत के भूखे होते हैं,
इनके साथ आप हमदर्दी से पेश आएंगे, प्यार से पेश आएंगे, आप ज़्यादा ना करें, आप उनके साथ प्यार से पेश आ जाएं, तो ये आपको दुआएं देते हैं। और ये दुआएं ऐसी होती हैं, खुदा की कसम, अगर आपको लग जाएं और आपको एक दफ़ा पता चल जाए कि दुआएं आपको मिलती हैं और आपकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम ठीक हो जाते हैं, तो शायद आप एहसास कर सकें अपने ही फ़ायदे के लिए, इन लोगों के लिए थोड़ा सा कभी ना कभी जितना मौका मिले आप कर दिया करें। तो बहरहाल ये दो स्ट्रे डॉग्स मैं अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा। मैं कोई एक ऐसा दिन नहीं होता कि मैं उसको, इनको याद ना करूं या इनको मिस ना करूं। एक दिन जी मुझे पता चलता है इनको, उनको पॉइजन दे दिया गया और वो अब इस दुनिया में नहीं है। मुझसे रहा नहीं गया, मैं जाके उन साहब का नाम नहीं लूँगा, उनसे मिला, उनसे मैंने पूछा कि क्यों क्यों आपने ऐसा किया जी। और यकीन करें 4 से 5 महीने शायद वो स्ट्रे डॉग्स यहाँ पे रहे होंगे और उन्होंने उस पूरी रोड को इस तरह से सिक्योर किया हुआ था कि कोई चोरी, कोई किसी किस्म का कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं पेश आया। एंड द मोमेंट दे वर बीइंग मर्डर्ड या किल्ड, द वेरी नेक्स्ट डे और मेरे ख्याल से 2-3 दिन बाद इस एरिया में एक बाइक चोरी हो गई, किसी का कुछ नुकसान हो गया। फ्री के गार्ड्स मिले हुए थे आपको, सिर्फ एम्पथी चाहिए थी, वो आपके अंदर नहीं थी। तो मैंने उन साहब को कन्फ्रंट किया, मैंने उनसे कहा कि आप काइंडली, या ये आपने क्यों किया, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही है, आपको कैसे लगता है, हमें हम मुझे समझ नहीं आती है कि हमारे माशरे में जो हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मुसलमान इस्लाम आपको क्या सिखाता है आपको। मैंने एक जगह एक एक राइटिंग पढ़ी थी कि जी शिर्क के बाद अगर कोई सबसे बड़ा गुनाह है तो वो अल्लाह की मखलूक को तकलीफ़ पहुंचाना है। तो क्यों आपको ऐसा लगता है कि ये अल्लाह की मखलूक नहीं है, और क्यों आपको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में इनको ज़िंदा रहने के लिए आपकी परमिशन की ज़रूरत है? क्यों आपको ऐसा लगता है कि जो तकलीफ़ आपको होती है, अगर मैं आपको काटूंगा, मारूंगा, आपको तकलीफ़ होगी, अगर आप उनको मारेंगे उनको तकलीफ़ नहीं होगी, क्यों? मेरी समझ से ये चीज़ें बाहर हैं। और जब मैं उन साहब से ये बात कर रहा था तो ही हैड दैट ईविल ग्रिन ऑन हिज फेस, जैसे कोई, जैसे मैं पागल हूँ, जैसे कोई बात ही नहीं है, जैसे जानवरों की कोई ज़िंदगी नहीं है, जानवरों को तकलीफ़ नहीं होती है। बेसिकली 3 स्ट्रे डॉग्स थे, एक फीमेल प्रेग्नेंट डॉग भी था। दे इवन ट्राई टू पॉइजन हर, लेकिन वो समहाउ उसने नहीं खाया और उसको बाद में मैंने रेस्क्यू करवाया। एंड शी वॉज सो स्केर्ड आफ्टर आफ्टर दिस इंसिडेंट कि वो शी वॉज शिवरिंग विद फियर, कि मुझसे वो खाना खाते थे और मुझसे भी वो उसके बाद खाना खाने से डर रहा था। वो फीमेल डॉग, 6 बच्चे उसने दिए और मैंने उसको रेस्क्यू करवाया, उसकी ज़िंदगी थी। मैं उस वक्त से अपने आप को ब्लेम कर रहा हूँ कि काश मैं उन दोनों की ज़िंदगी बचा सकता, बट आई वॉज़ नॉट फीलिंग वेल फॉर लाइक स्ट्रेट 2 वीक्स। मैं ठीक नहीं था, मैं बाहर नहीं निकल पाया और मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा। मैं ये जानने को मैं समझ नहीं पा रहा कि हम कैसे समझ लेते हैं कि हम बुज़ुर्ग आदमी हैं, बाय द वे वो 50-60, और हमारी आर्म्ड फोर्सेस के कोई रिटायर्ड भी हैं। मैं ऐसे लोग इदारे को हमारे बदनाम भी करते हैं इस तरह की हरकतें करके, और बहुत सारी और चीज़ें, अफसोस होता है मुझे। नमाजी परहेजगार किस्म के इंसान कैसे लगता है हमें, समझ नहीं आती मुझे। कैसे कैसे आप सोच सकते हैं कि आप अल्लाह की बारगाह में नमाज़ पढ़ने जाएंगे या आप सब कुछ करेंगे और आप किसी बेजुबान को मार के आपकी नमाज़ें कबूल हो जाएंगी, आपकी दुआएं कबूल हो जाएंगी? क्यों हमें ऐसा लगता है कि आप, मतलब सिर्फ मारना ही हल है? उन साहब ने मुझे कहा तो क्या करते हैं, क्या करते जी, हम इरिटेट हो रहे थे। मेरा दिल किया कि मैं उनसे कहूँ कि मुझे तो आप भी इरिटेट कर रहे हैं, तो क्या कोई भी इंसान किसी को इरिटेट करेगा? तो शुड आई पुट अ बुलेट बुलेट इन इन योर हेड जस्ट बिकॉज आई एम बींग इरिटेटेड बाई योर एग्जिस्टेंस? इसका हल ये नहीं है। कैसे समझ लेते हैं हम कि हमारी नमाजें, हमारे रोज़े, हमारी ज़कात, हमारी दुआएं कबूल हो जाएंगी अल्लाह की बारगाह में, जब आप मासूमों को, बेजुबानों को इस तरह से मारेंगे और आपको बिल्कुल रहम नहीं आएगा और आपको बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि यार मैंने गलत काम किया है? क्या कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता कि हम सोचते हैं कि ऐसी क्या बात, अल्लाह की तरफ जब हम किसी मुसीबत में आते हैं तो अल्लाह की तरफ देखते हैं और कहते हैं मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था, मैंने ऐसा क्या किया जिसकी मुझे सज़ा मिल रही है, ऐसा मैंने क्या किया, ऐसा मैंने क्या किया है? हम सवाल करते हैं खुदा से और हम ये सोचते नहीं हैं उस वक्त कि आप, हमने कितने बेजुबानों को नुकसान पहुंचाया है, उनको तकलीफ़ पहुंचाई है, और वो भी अल्लाह की मखलूक है और उनका भी अल्लाह से कनेक्शन है,
वो भी दुआ करते होंगे, वो भी बात करते होंगे अपने रब से, उनको पता होता है कि उनका रब कौन है, उनकी बददुआएं नहीं लग सकती आपको। तो बेसिक मेरा मकसद ये है, आज ये छोटी सी एक वीडियो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, एक मैसेज शेयर कर रहा हूँ कि खुदा रा अपने इर्द गिर्द कभी ऐसा कोई जुल्म होता हुआ देखें तो खुदा की कसम रोक लीजिए उसे, आपको बहुत सवाब मिलेगा। अल्लाह की बारगाह में आप सोच भी नहीं सकते कि इन बेज़ुबानों की दुआएं किस तरह से लगती हैं। मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में जो भी काम ठीक हुए हैं या जो भी प्रॉब्लम्स मेरी सॉल्व हुई हैं उनके पीछे शायद इन बेज़ुबानों का, क्योंकि मैं इतना सोशल हूँ नहीं, मैं जितना कर सकता हूँ लोगों के लिए करता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इन जानवरों के लिए भी जितना हो सके वो किया जाए। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने इर्द गिर्द अगर कोई इस तरह से देखें तो आप कोशिश करें कि उसको रेस्क्यू करवा दें। ऐसे बहुत सारे इदारे हैं, ACF है, मैं उनसे पर्सनली इन टच हूँ, आयशा चौधरी गिर फाउंडेशन, दे आर डूइंग एब्सोल्यूटली अमेजिंग वर्क, दे आर ब्लेस्ड, उनको अल्लाह ताला और उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। उनके लिए मेरी दुआएं हैं कि वो इस तरह से वो मदद कर रहे हैं, और मैं आई एम रियली ग्लैड एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द मैनेजमेंट एंड एवरी सिंगल पर्सन हु इज़ वर्किंग फॉर देम, उनकी टीम में, कि जो मेरे बोलने पे आए और वो इस एक फ़ीमेल डॉग को जिसके 6 बेबीज़ उसी रात को हुए थे उनको रेस्क्यू किया, और दे आर लुकिंग आफ्टर देम। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि इस तरह की जो भी फाउंडेशंस हैं, इस तरह के कोई भी इदारे हैं, उनको आप जितना उनके साथ आप काम कर सकते हैं, जिस कैपेसिटी में भी, एज अ वॉलंटियर भी, या आप उनको फ़ंड कर सकते हैं, उनको फाइनेंस कर सकते हैं। सदका तो देता है ना हर इंसान, सदका देता है, ज़कात देता है, और हमारी हम लोगों की डेली प्रैक्टिस होती है कि हम कुछ ना कुछ देते हैं, तो उनको भी अपने इस में हिस्सा बना लें तो कोई बुरी बात नहीं है। तो ऐसे बहुत से इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, आई एम हैप्पी कि ऐसी अवेयरनेस आ रही है लोगों में, कुछ ऐसे इदारों में वो काम कर रहे हैं इन जानवरों के लिए, तो उनको कांटेक्ट करें, उनको रेस्क्यू करवा दें। मारना हल नहीं है, ऐसी कैंपेन्स भी स्टार्ट हो गई हैं जो इनको एक तरह से इंजेक्शंस वगैरह दे रहे हैं, इनकी मेडिकेशन कर रहे हैं ताकि रेबीज़ वगैरह का सीन ना हो। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी पागल कुत्ता नहीं देखा यार, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती लोग कैसे कहते हैं जी पागल। ऐसी बहुत सारी न्यूज़ आ जाती हैं कि जी वो जी बच्चे को, मुझे ये तक बताया उन साहब ने कि बच्चे का जी वो मुंह खा लिया, तो ये कर लिया, तो वो कर लिया, कोई ये नहीं बताता उससे पहले बच्चे ने क्या किया होगा उसके साथ। ऐसी ब्रुटैलिटीज़ हम देखते हैं, मैं खुद अपने कैमराज में देख रहा होता हूँ कि यार वो जब जिंदा थी तो किस तरह से बाइक्स वाले गुजर के उसको पिन करते हुए जा रहे होते थे और वो फिर उसके पीछे भागती थी। तो एक इंसान होता है जो आपको आपके साथ गलत करता है और आपका एतमाद, आपका ईमान तमाम इंसानियत से उड़ जाता है। ये हम लोगों का अपना एक्सपीरियंस है ना, आपके साथ कोई ऐसा बुरा करे तो आपको किसी इंसान पर भरोसा नहीं रहता। यकीनन उस बेज़ुबान के साथ भी किसी ने ज्यादती की होगी, तभी वो किसी के पीछे भाग रही है या बाकी लोगों के पीछे भाग रही है, लेकिन कोई ऐसा इंसिडेंट मेरे सामने नहीं आया कि उसने काटा या किसी को नुकसान पहुंचाया। तो मेरा बस सिर्फ ये मकसद है कि अगर हो सके, अगर आपके दिल को मेरी बात कोई एक दिल तक पहुँचती है, इन जानवरों के लिए उनको खाना डाल दें, मौका मिले तो, यकीन करें मैं बता रहा हूँ, आप सोच नहीं सकते आपकी मुश्किलात कैसे अल्लाह ताला हल करेगा, ये उसी की मखलूक हैं, उनको उनको समझें। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि वो बेज़ुबान ज़रूर हैं लेकिन बेजान नहीं है, उनके अंदर जान है, उस रब ने डाली है, उनको तकलीफ़ होती है, उनको आपकी अच्छाई भी दिखेगी, उनको आपकी बुराई भी दिखेगी। और मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक प्रोजेक्ट भी कर रहा हूँ इसके लिए, गाना बना रहा हूँ, और उसकी इस अवेयरनेस को आगे पहुँचाने के लिए जितना मैं कर सकता हूँ, मेरी मेरी कैपेसिटी हुई मैं करूँगा। और मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी कोई भी अगर मुझे ज़रा सा भी रिगार्ड करता है कहीं पे भी, तो प्लीज़ फॉर हेवन सेक, अपने लिए ही सही, आप ऐसे जानवरों को नुकसान होते हुए देखें, कोई तकलीफ़ पहुंचा रहा है, उसे रोकें, उसे मना करें, कोशिश करें ऐसे इदारों से रابطہ करें और उनको उनको रेस्क्यू करवा दें, उनको किसी शेल्टर भिजवा दें, उनको मारें मत यार, मत मारें, बहुत बहुत अफसोस होता है, ये बेहसी इन जानवरों से होती हुई फिर इंसानों तक आ जाती है, और हम इसीलिए हम इंसानों का एहसास ख़त्म हो जाता है। तो मेरी आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, मैं आपका मेरे लिए अगर आप ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे लिए आप ये कर दीजिए कि ऐसे जानवर आपको कहीं मिलें, कोई आपको इंजर्ड
जानवर मिले उसके लिए जितना मदद कर सकें कर लें, कुछ नहीं जाता यार, कुछ नहीं जाता, खुदा की कसम कुछ भी नहीं होगा। आपके कोई करोड़ों अरबों रुपए नहीं लग जाएंगे, आपकी कोई गाड़ी नहीं बिक जाएगी, आपका घर नहीं बिक जाएगा, ये जानवर चंद चंद थोड़ा सा खाना आप डाल दें किसी को, अगर कोई इंजर्ड है तो उसकी आप उसको आप किसी क्लिनिक पे ले जाएं। ऐसे क्लिनिक्स भी हैं जो आपको ऐसे स्ट्रे डॉग्स या स्ट्रे एनिमल्स जो होते हैं, जो कोई किसी का पेट ना हो या उसकी कोई कोई लुक आफ्टर ना कर सकता हो या उसको कोई पैसे उस पर खर्च ना कर सकता हो, तो वो उसका फ्री में इलाज भी कर देते हैं। करवा दो यार, ऐसा हो सकता है कि वो मासूम अपने बच्चों के लिए खाना लेने के लिए निकला हो और उसके बच्चे इंतज़ार कर रहे हो। ये बहुत सारी बातें काफ़ी लोगों के लिए शायद मजाक हैं, लेकिन अगर कभी बैठ के सोचें तो आप शायद अपने आंसू ना रोक पाएँ, इस कदर तकलीफ़ होगी आपको। अपने अंदर एहसास लेकर आए, इंसानियत लेकर आए, आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है अल्लाह ताला ने, इंसान को इंसान बनाया है। इंसानियत शो करें, इंसानियत दिखाएं, इंसानियत सिर्फ नाम की हद तक रह गई है। अगर आप जानवरों से इंसानों वाला सलूक नहीं कर सकते तो आप में और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं है। मेरी नज़र में लोग जिन्होंने कुत्ता एक गाली बना दी है, मेरे ख्याल से आजकल के दौर में इंसान एक गाली है और इंसान गाली होना चाहिए, क्योंकि हम जानवरों से बदतर हो गए हैं। जानवर हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, एक एक कुत्ता होता है ना, इज़ ऑलवेज वैगिंग हिज टेल, जब भी कोई इंसान को देखता है उसकी दुम हिलाता है, वो उसके पास जाता है कि उससे एक्सपेक्ट करता है कि इंसानियत शो करेगा, लेकिन वो इंसानियत शो नहीं करता। बहुत अफसोस की बात है। अपने अंदर इंसानियत रखें, इंसानियत रखेंगे तो शायद आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी और आपकी आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। तो बस ये मेरा छोटा सा मैसेज था। आई होप कि आप इस पैगाम को जितना पहुंचा सकें लोगों तक। यूजली मैं अपनी लाइव वीडियोस डिलीट कर देता हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको डिलीट ना करूं। मेरी उम्मीद है कि आप मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं, और कुछ नहीं कर सकता। मैं जो कर सकता हूं मैं कर रहा हूं। मैंने स्टार्ट की है कैंपेन, मैं उसको भी लेके चलूंगा। आई हैव स्पोकन टू अ फ्यू फ्रेंड्स, कुछ लोगों से बात करके मैं एक कैंपेन स्टार्ट करने वाला हूँ ताकि रिलीजियसली भी हम लोगों तक पहुँचें और लोगों को समझाएं कि यार इस्लाम भी आपको जो है वो इंसानियत का दर्स देता है, जानवरों से सलूक करने का दर्स देता है। कुछ मौलवी हजरात को हम साथ में मिलाएंगे और हम एक कैंपेन स्टार्ट करेंगे। एक इंसान से कुछ नहीं होता अक्सर लोग ये समझते हैं, लेकिन एक अंधेरे कमरे में एक चिराग जला दिया जाए तो रोशनी हो जाती है, और एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा है। एक एक इंसान भी अगर इन्फ्लुएंस हो जाता है तो ये इंशाल्लाह आगे चीज़ें चलती रहेंगी। तो हम कुछ चीज़ें करेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि टाइम टू टाइम इस चीज़ को आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, और ये नेकी अगर मैं कर रहा हूँ तो आगे लोगों को मैं चाहूँगा कि अगर मैं कुछ नेकी कमा रहा हूँ तो मेरे मेरे कुछ दोस्त हैं या मेरे कुछ आने वाले हैं या मेरे कोई एडमायरर्स हैं। मैं कभी फ़ैन्स का वर्ड यूज़ नहीं करता। मेरे अगर फ़ैन्स भी हैं जो कहते हैं, मैं नहीं कहता, मैं एडमायर कहता हूँ, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो नेकी मेरे साथ ये शेयर करें। मैं उनसे ये नेकी शेयर करना चाहूँगा, मैं ये अच्छाई उनके साथ शेयर करना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि ये अच्छाई उनके अंदर भी आए और उनसे आगे लोगों तक पहुँचे। कंटेजस होती है ना अच्छाई, इंसान अपने आप से स्टार्ट करता है, अपने आप को ठीक करता है, चेंज आपके अंदर से आता है। जब आपके अंदर चेंज आएगा तो वो कंटेजस है, वो आगे लोगों को, अपने आप के सर्कल में लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा, वो लोगों को डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करेगा और अच्छाई वो फैलेगी। तो कोशिश करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी अल्लाह ताला आप सबके लिए मेरे लिए मैं आपके लिए दुआएं करता हूँ, आपको हिम्मत दे, और बस ये आज की मेरी रिक्वेस्ट थी। थैंक यू सो मच, जजाकल्ला, अस्सलाम वालेकुम।